फ्रेंड्स, आज है 2nd February 2021 और आज दिन है मंगलवार का। और आपको पता है मंगलवार मेरा ऑफ रहता है, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा। और अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखते हैं तो मेरा नाम है शिशिर और मैं नोएडा में रहता हूं और मैं डेली नोएडा के बारे में वीडियोस अपलोड करता हूं। सामने मेट्रो जा रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, देखिए। तो ये जो है सामने जो आपको दिख रहा है, ये सेक्टर 78 और 79 है और यहाँ पे एक्वा लाइन का मेट्रो है जो ये जा रहा है, जो आपको दिख रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली नोएडा के बारे में वीडियोस अपलोड करता हूँ। और आज वैसे एक अच्छी चीज़ हुई है, आज हमारा कहीं बाहर जाने का ट्रिप प्लान हुआ है और उसके लिए जो वीज़ा है, वीज़ा के फ़ोटोज़ के लिए मैं आया हूँ, वीज़ा के फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जो ऑफिस में जो मेरे कोलीग है शशांक भैया, उनकी वाइफ को लेने के लिए वीज़ा के फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे हम, और उसके बाद हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं और कब जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, ये चीज़ें आगे आगे जैसे आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। और अभी फ़िलहाल वीज़ा के फ़ोटोज़ के लिए हम जा रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है और कैसे कैसे वीज़ा अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे आगे के ब्लॉग्स में। आज बस इतना ही कि वीज़ा के फ़ोटोज़ हम क्लिक करवाने जा रहे हैं। एक्चुअली हर कंट्री के वीज़ा के लिए अलग अलग फ़ोटो की साइजेस चाहिए होते हैं। कोई कंट्री छोटा मांगता है, कोई बड़ा मांगता है, कोई 80% ऑफ द फेस मांगता है। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है वीज़ा में फ़ोटोज़ के लिए। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कोई कुछ लोग स्मूथ फिनिश मांगते हैं, कोई मैट फिनिश मांगते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़रूर चेक करना कि उसके फ़ोटो की क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम चल रहे हैं, मैं मिलता हूं आपसे आगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं घर वापस आ गया हूं और अभी बज रहे रात के 12। वीडियो मैंने ऑलमोस्ट पूरा एडिट कर लिया है। ये जो अभी आपने क्लिप देखा, ये सेक्टर 18 का एक स्टूडियो है जहाँ पे हम गए थे वीज़ा के लिए फ़ोटो निकालने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक्चुअली सेक्टर 18 बहुत ज़्यादा रश था गाड़ी पार्क करने में और वहाँ पे फ़ोटोज़ प्रिंट आउट लेने में ऑलमोस्ट 1.5 या 2 घंटे लग गए। और उसके बाद वहाँ से मैं घर आया, घर आते आते 8:30-9 बज गए। फिर पूजा किया क्योंकि आज ट्यूसडे है और उसके बाद वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स, अभी एक हम कंट्री जा रहे हैं। एक्चुअली वीज़ा के फ़ोटोज़ जो है हर कंट्री का अलग अलग साइज़ है, तो बाहर से ही निकालना पड़ता है और मैट पेपर पे निकालना पड़ता है। अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ उसके टिकट्स कल होने वाले हैं और 1-2 दिन में वीज़ा भी आ जाएगा, तो तब मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। तब तक आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपका जो ये भाई है ये अभी एक फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने वाला है, तो आपके लिए एक फॉरेन कंट्री के व्लॉग्स भी आएंगे। मैं बताऊंगा कैसे वीज़ा लेना है और इस टाइम पे ट्रैवल करना, ट्रैवल करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्चुअली मैं हर साल कोशिश करता हूँ एक फॉरेन ट्रिप की, और हम 2019 में लास्ट थाईलैंड गए थे फुकेट घूमने के लिए। उसके बाद 2020 में आपको पता ही है पूरा लॉकडाउन हो गया और उस वजह से जा नहीं पाई। इस वजह से फरवरी में स्टार्टिंग में अभी हम जा रहे हैं, जैन में जाने का प्लान नहीं बना। फरवरी में अभी जो 14th February है, शायद 14th February को मैं बाहर रहूं अपनी वाइफ के साथ, हमारा जो वैलेंटाइंस डे है वो बाहर मने। और शशांक भैया जो मेरे कोलीग है, मेरे ऑफिस कोलीग है, वो उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी क्यूट सी बेटी जिनका नाम कीकी है, बड़ा स्वीट सा नाम है, तो हम सारे मिलकर जाने वाले हैं। 14th February का प्लान बन रहा है, बाकी कहाँ बन रहा है और टिकट्स कब के होते हैं वो ये सारे अपडेट्स कल तक आ जाएंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और जाने से पहले फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नोएडा के बारे में डेली वीडियोस डालता हूँ और अभी एक फॉरेन ट्रिप आने वाली है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है शिशिर और मैं पिछले 8 साल से नोएडा में हूँ। और अगर आपको डेली नोएडा के वीडियोज़ चाहिए, डेली NCR के वीडियोज़ चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आई एम गोइंग ऑन दी राइट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आपसे कल, और तब तक अपना ख्याल रखिए।